श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ग्रंथों में राधा कृष्ण विवाह संबंधी कुछ प्रचलित कथाएं। माना जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह कराने में ब्रह्मा जी का बड़ा योगदान था। भगवान ब्रह्मा ने जब श्री कृष्ण को सारी बात याद दिलाई तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से शादी के लिए वेदी को सजाया। गर्ग संहिता के मुताबिक विवाह से पहले उन्हें श्री कृष्ण और राधा से 7 मंत्र पढ़वाए। भांडेर वन में वेदी नुमा वही पेड़ है जिसके नीचे जहां पर बैठकर राधा और कृष्ण की शादी हुई। दोनों की शादी कराने के बाद भगवान ब्रह्मा अपने लोक को लौट आ गए, लेकिन इस वन में राधा और कृष्ण अपने प्रेम में डूब गए। दरअसल गर्ग संहिता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के आधार हैं। माना जाता है कि जिस तरह से शिव की शक्ति पार्वती है, उसी तरह से भगवान कृष्ण की शक्ति राधा है। गर्ग गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का सबसे पौराणिक आधार का वर्णन किया गया है। गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में राधा और कृष्ण के विवाह की कथा है। कथा की शुरुआत श्री कृष्ण की बाल अवस्था में होती है, जब कृष्ण की उम्र महज 2 साल 7 महीने थी। एक बार नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर अपने गोद में खिला रहे थे। उनके साथ दुलार करते हुए वृंदावन के भांडिर वन में आ जाते हैं। बालक कृष्ण के सुंदर मुख को देखते हुए उनके मन में ख्याल आता है कि कितने खुशनसीब हैं कि खुद भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं। नंद बाबा को यह पता रहता है कि बालक कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। नंद के मन में भक्ति का भाव उमड़ता है। इसी बीच एक बड़ी अनोखी घटना घटती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, बिजली कौंधने लगती है और देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे में बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है। नंद जी समझ जाते हैं कि कोई और नहीं, खुद राधा देवी है जो कृष्ण के लिए इस वन में आई है। वो झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि भगवान कृष्ण मेरी गोद में हैं और आपका मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं। भगवान कृष्ण को राधा के हवाले करके नंद जी घर वापस आते हैं। तब तक तूफान थम जाता है, अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल जाता है और उसके साथ ही भगवान भी अपने बालक रूप का त्याग करके किशोर बन जाते हैं। भांडिर वन के पास ही एक वंशी वन है जहां भगवान कृष्ण अक्सर वंशी बजाने जाया करते थे। कहा जाता है कि 1000 साल पुराना वंशी वन आज भी मौजूद है। साथ ही वृक्ष भी मौजूद है जिस पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। कहा तो इतना जाता है कि आज भी अगर उस वृक्ष में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी और तबले की आवाज सुनाई देती है। राधा से शादी के बाद भगवान कृष्ण काफी दिनों तक इस वन में रहे, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक नंदगांव की याद आ गई। विवाह के बाद काफी दिनों तक भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ इन वनों में रास रचाते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें नंदगांव की याद आई और राधा की गोद में वैसे ही बालक बन गए जैसे राधा को नंद जी ने दिया था। इस घटना के बाद तो राधा रोने लगी। इसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि हे राधा, इस वक्त शोक मत करो, अब तुम्हारा मनोरथ कुछ वक्त के बाद पूरा होगा। राधा जी समझ गई कि भगवान अब उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए उन्हें अवतार लिया है। इसके बाद राधा भगवान श्री कृष्ण को बालक रूप में गोद में लेकर नंदगांव गई और नंद के हाथों बाल गोपाल को समर्पित कर दिया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।